हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपी ट्रिपल एससी, यूजीसी, नेट, जीआरएफ और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं यूजीसी, नेट, जीआरएफ समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 12। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नातेदारी शब्दावलियाँ विवाह की वर्यताओं और प्रतिषेधों को बहुत हद तक परिसीमित करती हैं। द्रविड़ विवाह में रिश्तेदारी की कौन सी श्रेणियों की वर्यता दी जाती है जो शब्दावलियों में परिलक्षित होती है? ऑप्शन ए, सपिंड विवाह के लिए वर्यता। ऑप्शन बी, भ्राता भगनी संतति विवाह के लिए वर्यता। ऑप्शन सी, चचेरे मौसेरे भाई बहन के बीच विवाह के लिए वर्यता। या ऑप्शन डी, प्रतिषेधित भ्राता भगनी संतति विवाह और चचेरे मौसेरे भाई बहन के बीच विवाह। तो यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन समझाते हैं। इसमें पूछा गया है, क्योंकि विवाह जब होता है तो नातेदारियों में होता है, तो कुछ विवाह नातेदारी में मान्य होते हैं तो कुछ नहीं मान्य होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया कि दक्षिण भारत में या द्रविड़ में विवाह की रिश्तेदारी में कौन सी श्रेणियों को वर्यता दी गई, किसमें हम शादी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, भ्राता भगनी संतति विवाह के लिए वर्यता। ये दक्षिण भारत में मान्य है कि इसमें हम विवाह कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं भ्राता भगनी संतति विवाह क्या है। विलिंग सहोदरज विवाह, इसे ही भ्राता भगनी संतति विवाह या मध्य प्रदेश की गोंड जनजातियों में दूध लटुआ विवाह कहा जाता है, या इसे ममेरे फुफेरे भाई बहनों का विवाह भी कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि विलिंग सहोदरज विवाह जो है वो माता के भाई मामा के बच्चे और पिता के बहन अथवा बुआ के बच्चे के बीच के बीच विवाह कहलाता है। इसे ही विलिंग सहोदरज विवाह कहेंगे। यह विवाह दक्षिण भारत की कई हिंदू जातियों में और गोंड, भील, कादर, खरिया, मिकरी और कुकी जनजातियों में भी पाया जाता है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। दुर्खिम ने किस समुदाय में टोटमवाद की जांच की थी? ऑप्शन ए, रेड इंडियन। ऑप्शन बी, ट्रोबियान द्वीपवासी। ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलियाई अरुंटा। या ऑप्शन डी, अफ्रीका जिप्सी। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलियाई अरुंटा समुदाय में टोटमवाद की जांच की थी दुर्खिम ने। आइए अब जानते हैं कि टोटमवाद क्या होता है। टोटमवाद, जिसका अर्थ होता है किसी गढ़ चिन्ह, जिसे हम टोटम भी बोलेंगे, के साथ जुड़े हुए विश्वास, प्रथाओं और संस्कारों के समूह को टोटमवाद कहते हैं। टोटमवाद किसी भी सामाजिक समूह, वंश या गोत्र समूह तथा किसी प्राकृतिक वस्तु जैसे कोई वृक्ष या पशु आदि के बीच स्थापित प्रतीकात्मक संबंधों की अभिव्यक्ति होती है। यहाँ पर आपको हम समझा दें कि जैसे कि टोटमवाद क्या होता है। ये टोटमवाद जो होता है वो धार्मिक जीवन का बहुत ही प्रारंभिक स्वरूप मान लिया गया है। मतलब जब जनजातियों में दुर्खिम ने बताया, सबसे धार्मिक जीवन का सबसे प्रारंभिक स्वरूप ये टोटमवाद को बताया। और उन्होंने कहा कि टोटमवाद का मतलब होता है वो अपने स्वयं की पूजा करते हैं, ठीक है, और इसी के आधार पे वे वस्तुओं को पवित्र और साधारण वस्तुओं में भेद करना जाने, ठीक है। तो टोटमवाद जो होगा वो या तो भयवश होगा, या श्रद्धा या शक्ति या आदर की भावना जरूर होगी, तभी किसी टोटम को वो मानते हैं। और अगर ये जो टोटम होता है वो किसी वृक्ष को भी मान लिया जाता है, किसी पशु को भी मान लिया जाता है, जैसे किसी के प्रति कोई भय हो गया, किसी वृक्ष से उनको कोई नुकसान हो गया तो उन्होंने उसे अपना टोटम बना लिया और उसकी वो पूजा पाठ करने लगे। तो अगर वो किसी जैसे पशु को बनाते हैं टोटम, तो उनको मारना खाना या चोट पहुंचाना वो निषिद्ध समझते हैं, मतलब उसको चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस पर शोक भी प्रकट करते हैं और उसकी खाल का भी प्रयोग उससे नहीं करते हैं, मतलब उसे पवित्र मानते हैं। या फिर किसी वृक्ष या पशु आदि को जिसको वो टोटम मानते हैं उसको अपने हाथ पे बनवा लेते हैं, जिससे क्योंकि उससे ये होता है कि वो समाज में निंदा योग्य नहीं होगा, और जो इन टोटम का उल्लंघन करते हैं उनका निंदा की जाती है।
और अगर बहुत ही जैसे कि दुर्खिम ने सामूहिक प्रतिनिधित्व का परिभाषा दी है, तो ये जो टोटम है वो सामूहिक प्रतिनिधित्व का प्रतीक है। आई होप आपको टोटम समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए जैव विविधता अधिनियम सन 2002, ऑप्शन बी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ऑप्शन सी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1973 या ऑप्शन डी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली सन 2016। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1973 ना होके यह आपका 1972 में आया था अधिनियम। आइए अब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के बारे में जान लेते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ये क्या होता है? देखिए, देश की परिस्थितिकीय या पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वन्य प्राणियों पक्षियों और पादपों के संरक्षण के लिए इस अधिनियम को लाया गया था। जब यह अधिनियम लाया गया तो उस समय ये जम्मू कश्मीर को छोड़ करके संपूर्ण भारत में लागू हो गया और इस अधिनियम का उद्देश्य बनाया गया कि सूचीबद्ध लुप्त प्राय वनस्पतियों और जीव एवं पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्रों को सुरक्षा प्रदान की जाए। भारत सरकार ने देश के वन्य जीवों की रक्षा करने, उसे प्रभावी ढंग से लागू करने, अवैध शिकार तस्करी या वन्य जीव अवैध नियंत्रण को रोकने के लिए इस अधिनियम को लाया तथा जनवरी सन 2003 में इस अधिनियम को संशोधित किया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम क्या है, तो ये 1972 में लाया गया जिसमें वन्य प्राणियों पक्षियों पादपों को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से लाया गया था। ठीक है, इसमें कुल 6 अनुसूचियां बनाई गई जिसमें अनुसूची वन में कुल 43 वन्य जीव शामिल की गए जो कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें कुछ जानवर भी थे, इसमें जलीय जंतु भी हैं एंड सरीसृप भी शामिल किए गए जो टोटल 43 है। और ये अनुसूची के 4 भाग है, इस अनुसूची मतलब अनुसूची वन के 4 भाग है और इसमें जो धारा है वो 2, 8, 9, 11, 40, 41, 43, 48, 51, 61 तथा धारा 62 के तहत दंड मिल सकता है जो इन लोगों को हानि पहुंचाएगा। जैसे कि इसमें दिया है हिरण, भालू, बंदर, चिंगारा, इन सबको अगर कोई हानि पहुंचाते हुए पकड़ लिया जाता है तो उन्हें इन धारा के तहत दंड मिलेगा। फिर बात करते हैं अनुसूची 2 की। इस अनुसूची के तहत जानवरों को शिकार करने पर कम से कम 3 साल और अधिकतम से 7 साल जेल की सजा का प्रावधान है। कम से कम जुर्माना 10,000 रुपये और अधिकतम जुर्माना 25,00,000 रुपये और दूसरी बार अगर अपराध करने पर इतनी ही सजा का प्रावधान है लेकिन न्यूनतम जुर्माना 25,000 रुपये किया गया। बात करते हैं अनुसूची 3 और 4 की। इसके तहत वन्य जानवरों को संरक्षण प्रदान किया जाता है लेकिन इस सूची में आने वाले जानवरों और पक्षियों के शिकार पर दंड बहुत कम है। अनुसूची 5 में बात की गई है कि इस सूची में उन जानवरों को शामिल किया गया है जिनका शिकार हो सकता है, मतलब कुछ ऐसे हैं जिनका शिकारी उन्हीं का शिकार करने जाते हैं, तो वो अनुसूची आपका 5 में रखा गया। अनुसूची 6 में इसमें दुर्लभ पौधों और पेड़ों की खेती और रोपण पर रोक है, तो मतलब आपके 1 से 5 तक वन्य जीव जंतुओं का है और आपका अनुसूची 6 जो है वो पौधे और पेड़ों की खेती और रोपण पर रोक से है। अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपका 1972 में लागू किया गया। आइए बढ़ते अब अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नातेदारी अध्ययनों में सहसंबंध सिद्धांत इनमें से किस विद्वान के साथ संबंध है? ऑप्शन ए कैथली गॉफ, ऑप्शन बी पॉलिन कोलेंडा, ऑप्शन सी सी लेवी स्ट्रॉस या ऑप्शन डी ए आर रेडक्लिफ ब्राउन। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। सी लेवी स्ट्रॉस ने सहसंबंध का सिद्धांत दिया है नातेदारी अध्ययन में। आइए अब जान लेते हैं सी लेवी स्ट्रॉस का नातेदारी संबंध उन्होंने क्या दिया है। सहसंबंध सिद्धांत जिसे विवाह गठबंधन या इंग्लिश में अलायंस थ्योरी माना जाता है, इसमें इन्होंने
विवाह नियमों अर्थात कौन किसके साथ विवाह कर सकता है और कौन किसके साथ विवाह नहीं कर सकता है, इसको इन्होंने रखा है। ठीक है, और इनका जो नातेदारी संबंध है वो वंश के स्थान पर विवाह की संरचनात्मक और संगठनात्मक महत्व को रेखांकित करता है। जैसे किसी ने नातेदारियों को वंश के आधार पर विभाजित किया है, तो उसी तरह लेवी स्ट्रॉस ने नातेदारी जो संबंध की व्याख्या की है वो वंश के स्थान पर ना करके इन्होंने विवाह के संरचनात्मक और संगठनात्मक महत्व को रूपरेखा करता है। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। किसने भारत में वोट बैंक शब्दावली की रचना की थी? ऑप्शन ए एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन बी रजनी कोठारी, ऑप्शन सी ग्रीश कुमार या ऑप्शन डी दीपांकर गुप्ता। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, एम एन श्रीनिवास ने वोट बैंक शब्द का प्रयोग किया था। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एम एन श्रीनिवास ने वोट बैंक अवधारणा अपने संस्कृतिकरण और प्रभुत्व जाति के संदर्भ में 1955 में अपने मैसूर विलेज के द सोशल सिस्टम नामक पत्र में किया था। मतलब वोट बैंक की अवधारणा सबसे पहले एम एन श्रीनिवास ने की, किसमें, जब वो मैसूर विलेज का अध्ययन कर रहे थे 1955 में, और उनकी कौन सी पत्रिका में, तो द सोशल सिस्टम नामक पत्रिका में उन्होंने वोट बैंक अवधारणा को लिखा है या दिया है। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। किसने इस बात पर बल दिया कि किसी सांस्कृतिक मद का विश्लेषण संस्कृति के परिपथ के माध्यम से किया जा सकता है? ऑप्शन ए स्टुअर्ट हॉल, ऑप्शन बी डेविड हेल, ऑप्शन सी मैक्स होकहाइमर, ऑप्शन डी टी डब्ल्यू एडर्नो। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टुअर्ट हॉल ने सांस्कृतिक मत का विश्लेषण संस्कृति के परिपथ के माध्यम से किया है। आइए अब स्टुअर्ट हॉल के बारे में जान लेते हैं। स्टुअर्ट हॉल के प्रमुख कार्य, एक आपका राष्ट्रीय संस्कृति की अगर बात की जाए तो आपका स्टुअर्ट हॉल ने दिया है, आधुनिकता और वैश्वीकरण के जुड़े विषयों पर स्टुअर्ट हॉल ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तथा इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचना जैसे रेजिस्टिंग थ्रो रिटुअल्स, पॉलिटिक्स एंड आइडियोलॉजी, कल्चर मीडिया एंड लैंग्वेज, तथा सबसे लास्ट पुस्तक मॉडर्निटी एंड इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न सोसाइटीज, ये इनकी कुछ अन्य प्रमुख पुस्तकें हैं। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एन एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड नामक विनिबंध मोनोग्राफ का लेखक कौन है? ऑप्शन ए रामचंद्र गुहा, ऑप्शन बी एल फ्यूरबक, ऑप्शन सी फ्रांसिस जिमरमैन और ऑप्शन डी डोनाल्ड ह्यूज। तो ये जो आपका मोनोग्राफ है ये किसने लिखा है? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, डोनाल्ड ह्यूज ने एन एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड नामक मोनोग्राफ के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा LGBT से संबंधित है? ऑप्शन ए 376, ऑप्शन बी 377, ऑप्शन सी 487 या ऑप्शन डी 497। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी 377, जो कि LGBT से संबंधित है। आइए अब जान लेते हैं LGBT क्या है। LGBT, जिसे हम इंग्लिश में L का मतलब लेस्बियन, G का मतलब गे, B का मतलब बायसेक्सुअल एंड T का मतलब ट्रांसजेंडर, ये जो है अधिकार भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत समलैंगिकता को अपराध मानते हुए कार्रवाई की जाती थी। धारा 377 जिसे अप्राकृतिक अपराध के नाम से भी जाना जाता है, 1857 के विद्रोह के बाद औपनिवेशिक शासन
शासन द्वारा इसे अधिनियमित किया गया था कि जो भी लेस्बियन, गे, बायोसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर है इसे अपराध माना जाता था, ठीक है। लेकिन अभी रिसेंटली आपका 6 सितंबर 2018 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 377 को संवैधानिक असंवैधानिक घोषित करते हुए समलैंगिकता के अपराधीकरण को समाप्त कर दिया गया। मतलब अब इस पर किसी प्रकार का कोई भी दंड दिया नहीं जा सकता है। आइए अब बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कौन सा अध्येता गहन वितरण से संबंधित है? ऑप्शन ए कार्ल मैनहाइम, ऑप्शन बी अल्फ्रेड सुटर्ज, ऑप्शन सी इरविंग गॉफमैन या ऑप्शन डी क्लिफोर्ड गिटज। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी क्लिफोर्ड गिटज, जो कि आपके गहन विवरण से संबंधित है। आइए अब जान लेते हैं क्लिफोर्ड गिटज के बारे में। क्लिफोर्ड गिटज ने गहन वितरण से संबंधित अध्येता है। ये उत्तर आधुनिकतावाद की प्रवृत्ति को प्रेरित करने वाले क्लिफोर्ड गिटज मानवशास्त्रीय शोध में निर्वचनात्मक विधि या व्याख्यात्मक विधि के अग्रणी प्रतिपादक रहे हैं। मतलब क्लिफोर्ड गिटज जो है ये मानवशास्त्रीय शोध इन्होंने किया है और इस शोध में उन्होंने व्याख्यात्मक या निर्वचनात्मक विधि के प्रतिपादक रहे हैं। तथा अगर समाजशास्त्र में बात की जाएगी तो ये उत्तर आधुनिकतावादी प्रवृत्ति को प्रेरित करते हैं। और जो इनकी अन्य पुस्तकें हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि आपकी फर्स्ट नंबर है द रिलीजन ऑफ जावा, सेकंड पुस्तक का नाम है एग्रीकल्चर इन इवोल्यूशन और थर्ड पुस्तक का नाम है ओल्ड सोसाइटीज न्यू स्टेट और इनकी फोर्थ है जो लोकल नॉलेज। ये इनकी कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, क्योंकि आपका क्वेश्चन क्लिफोर्ड गिटज से पूछा गया है तो हो सकता है कि ये बुक्स का नेम लेके पूछ लिया जाए, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तभी हम आपके लिए बुक्स के नेम जरूर डाल देते हैं कि क्योंकि पूछ लिया जाता है। और अगर एक बुक भी याद होगी तो जो आपका क्वेश्चन आता है सुमेलित करने वाला, एक या दो बुक अगर याद है आपको तो आप उसे बहुत ही आसानी से कर लेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एक लिकर्ट पैमाना लिकर्ट स्केल किसका मापन करता है? ऑप्शन ए सहसंबंध, ऑप्शन बी अभिवृत्ति, ऑप्शन सी विचलन या ऑप्शन डी संतुष्टि। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी अभिवृत्ति का मापन लिकर्ट पैमाना करता है। अब इसकी भी व्याख्या जान लेते हैं। ये अभिवृत्ति मापने के लिए इस मापनी का निर्माण 1932 में लिकर्ट द्वारा किया गया था तथा इन्हीं के नाम के आधार पर लिकर्ट पैमाना रखा गया और ये अभिवृत्तियों को मापता है। और इसमें अभिवृत्तियों को मापने के 5 चरण होते हैं तथा इसे लिकर्ट जो पैमाना है इसे हम संचयी मूल्यांकन विधि भी कह सकते हैं। यह आमतौर पर शोध में शामिल किया जाता है और इसमें अगर यूज़ किया जाए तो प्रश्नावली को नियोजित रूप से प्रयोग किया जाता है, तभी हम अभिवृत्ति की माप कर पाते हैं। आई होप आपको हमारे लाइव क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऐसे ही हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।